एक चोर था। ऐसी कृपा हुई किसी दिन सत्संग में पहुंच गया, संत अच्छे लगे। एक दिन चरणों में जाकर बैठ गया, सारी बात कह दी। मैंने कहा कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे भगवान नाम सुनाऊंगा, चार बात मेरी माननी पड़ेगी। बोले एक तो कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना, दूसरी बात झूठ नहीं बोलना, तीसरी बात बोले जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करना, बोले चौथी बात ये कि तुम्हारे किए का दंड देखना कभी किसी और को ना मिले। चोरी तो स्वभाव में थी, मन हुआ कि चलो चले आज। गुरुजी की सबसे पहली बात याद आई, बोले गरीब के घर नहीं जाना है तो अब कौन गरीब अमीर के झंझट में पड़े। बोले चलो आज राजा के घर चोरी करते हैं। पहुंच गया महल में, दरबार ने पूछा कौन। दूसरी बात याद आ गई, गुरुजी ने कहा झूठ नहीं बोलना, उसने कहा चोर। अब दरबार ने कहा कि चोर थोड़ी खुद को चोर कहता है, बोले ऐसी कोई मित्र सब संबंधी होगा। उन्होंने कहा आप जाइए महाराज जाइए। अब समेट लिया सब माल उसने, भूख लग आई, थाल सजा हुआ रखा था, कहा चलो कुछ खा लें। अब खाया तो तीसरी बात याद आ गई, भाई जिसका नमक खा उसकी चोरी नहीं करनी। अब वो बना बंधाया सामान छोड़कर लौट गया। और जब राजा की आंख खुली तो राजा ने देखा कि सब कीमती सामान बंधा है, कोई यही क्यों छोड़कर चला गया। तो राजा ने कहा कि शहर के जितने चोर है सबको बुलाकर लाओ। अब सब पकड़ लिए गए, राजा ने कहा कि इन सबको ले जाओ और डाल दो कारागार में। उसके कान में खबर पड़ी। गुरुजी ने चौथी बात क्या कही थी, भाई तुम्हारे किए का दंड कभी किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। दौड़ कर गया राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने सारी कथा पूछी, उसने सारी कथा जो कितियों सुना दी, ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी ने चार आज्ञा हमको दी थी और ये सब कार्य हमने किया। राजा अपने सिंहासन से उठा। राजा ने कहा भाई सदुपदेश देने वाले गुरु तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन गुरु का शब्द जो का त्यों अपने जीवन में उतार देने वाला चेला हम पहली बार देख रहे हैं। पर राजा ने कहा कि भाई तेरा गुरु तो तेरा गुरु है, पर आज से मेरा गुरु तू है। अब गुरु की बात मानने से क्या हुआ है कि गुरु जी तो चोर के गुरु बने, चोर राजा का गुरु बन रहा है।